हेलो स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, टुडे वी आर गोइंग टू डू ब्रेविया एंड इट्स टर्न ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रामर एज वी हैव डन पेज 159. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट टू डू पेज 160. सो हेयर वी आर विथ पेज 160. हेयर व्हाट वी आर हैविंग द फॉलोइंग पैसेज हैज़ अ वर्ड मिसिंग where a slash is put and write the missing pronoun in the space provided. Now you have to make correct use of the pronoun. So it is going to be an interesting exercise. Let's go for it. All the students were excited. सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे. Dash were celebrating the festival of states. So अब all the students, यहाँ पर plural है ना, आपको देखिए यहाँ पर plural subject दिया है. सो आप यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे. ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, दे वर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स ऑफ देयर स्टेट्स. सो हेयर यू विल अप्लाई इन द फर्स्ट ब्लैंक, यू विल मेंशन द वर्ड दे एंड आफ्टर दैट द प्रोनाउन देयर. ओके, नेक्स्ट इज श्रेया टोल्ड अबाउट बंगाल. डैश बिलोंग टू डैश. यस, अब श्रेया ने बंगाल के बारे में बताया बिकॉज शी बिलोंग्ड टू इट. सो यू विल फिल हेयर टू प्रोनाउंस शी एंड द सेकेंड प्रोनाउन इज इट. ओके क्लास, नेक्स्ट इज डैश कैपिटल ऑफ कोलकाता. अब यहाँ पर आप फिल करेंगे इट्स कैपिटल बिलोंग्ड टू इट. इट्स कैपिटल इज कोलकाता. बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता. सो इट्स कैपिटल इज कोलकाता. हियर पजेसिव प्रोनाउन वी आर मेकिंग यूज ऑफ. डैश बिल्डिंग्स हैव द डिजाइन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स. सो हेयर वी विल ऑल्सो यूज द सेम पजेसिव प्रोनाउन इट्स बिल्डिंग्स. किसकी बिल्डिंग्स की आप बात कर रहे हैं, द बिल्डिंग्स ऑफ बंगाल्स. So its buildings have the design according to the Britishers as, अब it was the, as. So we have done as it was the capital of the British Raj. Now dash old name is Calcutta. So किसकी हम पुराने time की बात कर रहे हैं, पुराने नाम की बात कर रहे हैं, बंगाल की. सो इट्स ओल्ड नेम इज कोलकाता, जिसको हम पहले कैलकटा बोलते थे. इट्स ओल्ड नेम इज कैलकटा. द विक्टोरिया मेमोरियल इज अ लार्ज मार्बल बिल्डिंग एंड इट इज डेडिकेटेड टू. सो यू विल मेंशन हेयर एंड इट इज डेडिकेटेड टू. किसको डेडिकेटेड है, इट इज़ डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया. नाउ यू विल मेंशन हेयर इट. सो क्लास आई विल बी स्मॉल इट. ओके, आई हैव रिटन इट एज कैपिटल, यू जस्ट मेंशन इट लेटर ऑन. नेक्स्ट इज डैश हैज़ अ म्यूजियम विथ लार्ज मेडन्स ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर. सो It has a museum with large maidens. Now here we will apply I capital because it is starting after full stop. So after full stop, the first letter will be capital. It. Okay, class. River, bank of Hooghly River, Kolkata, the city of palaces. Now it's so interesting to know that Kolkata ko hum city of palaces bhi bolte hain. Kolkata, the city of palaces, is famous for dash temples of Bishnupur. So, is famous for its. Here we are having dash popular tourist attraction is Hazarduari Palace. So, its popular tourist attraction is Hazarduari Palace. So, you will mention here its.
इसका सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन सा है? हजारद्वारी पैलेस. नेक्स्ट, डैश हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शैलेंडीलियर इन द वर्ल्ड. नाउ स्टूडेंट, शैलेंडीलियर होता है झूमर, जो झूमर लगाते हैं ना छत के ऊपर, जो पुराने टाइम में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव झूमर लगाए जाते थे. सो इट हैज़ द इट ओके इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शैंडीलियर इन द वर्ल्ड. डैश ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट स्टेयरकेस सो इन इंडिया इट ऑल्सो सो हेयर यू विल ऑल्सो मैंशन द प्रोनाउन इट. Bengali people love eat fish, vegetables, lentils hoti hai dalein, and rice. Full stop. Dash kheer kadam is the favorite sweet. So you will mention here there. Have you ever tasted this kheer kadam? Is the favorite sweet. Next, it is a two-layered rasgulla with mawa and cocoa flakes. It. ये कैसा होता है जो खीर कदम है, ये क्या है? टू लेयर्ड रसगुल्ला होता है जिस पर मावा और कोको फ्लेक्स लगे होते हैं. डैश इज फ्लेवर्ड विद सेफ्रन टू एनहांस डैश टेस्ट. इट इज फ्लेवर्ड, और इसको किसका फ्लेवर दिया जाता है? सेफ्रन केसर का. टू एनहांस, क्या बढ़ाने के लिए? इट्स टेस्ट, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर पेज नंबर 160 रिलेटेड टू योर इंटीग्रेटेड ग्रामर. यू वर मेकिंग यूज ऑफ द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. आई होप यू हैव इंजॉयड द वीडियो. Keep on writing students, keep on practicing, just do it by your own in your book, okay? Thanks for watching the video. Good.